Hello everyone. So today I all welcome you to my channel Invest for Wealth. आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं. इस कॉन्सेप्ट का नाम है SIP इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने SIP इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का नाम क्यों दिया, इसमें इस तरीके से कुछ मैंने फॉलो करा. मैंने हर महीने 1000 rupees का एक एग्जाम्पल लिया है. 1000 rupees की इन्वेस्टमेंट करिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में फ्रॉम 2011 टू 2020 और लगभग 12000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट रही. बट वो एग्जैक्ट आपको 12000 नहीं दिखेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक का प्राइस 1000 से ऊपर है, कभी 700 है. तो अगर एग्जांपल 700 है तो अगर हम 2 शेयर भी परचेज करते हैं तो 1400 हो जाएगा. अगर 1200 है, अगर हम 1 शेयर परचेज करते हैं तो 1200 हो जाएगा. तो इस तरीके से मैंने स्टॉक्स में अराउंड कभी आपकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 12000 रहेगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में. ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल भी कह सकते हो या आप इसको एक प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल भी कह सकते हो, क्योंकि ये जस्ट एक एग्जाम्पल नहीं है. प्रैक्टिकली जो प्राइसेस थे मंथ की स्टार्टिंग में तो वही मैंने रियलिटी में इस PPT में आपको दिखाने की कोशिश करी है कि अगर हम 120,000 इन्वेस्ट करते 1000 rupees की इंस्टॉलमेंट के थ्रू फॉर द ईयर ऑफ 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर या आफ्टर 12 ईयर हमारा वो अमाउंट कितने टोटल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स कि हमारा वो 120,000 एक जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट टिल 2011 टू 2020, वो जो उसकी टोटल वैल्यू क्या कन्वर्ट हो जाती. तो हम इस PPT के थ्रू देखेंगे, इस जो मैंने SIP करी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक एग्जाम्पल कोट करा. तो लेट स्टार्ट द PPT. और इस PPT में एट द एंड आपको ये पता चलेगा कि हमने एब्सोल्यूट रिटर्न्स एट द एंड ऑफ 10 ईयर और एट द एंड ऑफ 12 ईयर क्या जनरेट करा. तो चलिए अब इस PPT को स्टार्ट करते हैं और आप इस PPT को एंड तक देखना अगर आपको एक्चुअली क्लैरिटी चाहिए कि हाँ स्टॉक्स में SIP करने से भी हमें कितना और कितना ज़्यादा फायदा होता है. लेट स्टार्ट द PPT.